हेलो भाई लोग, हाउ टू कनेक्ट फॉसिल 6th जनरेशन। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसे बताएंगे कि उसे हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये आज पूरा वीडियो जो है हम लोग श्याम गर्ल्स चैनल पे डालेंगे, जो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा श्याम गर्ल्स के नाम से। उस पर आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग 6th जनरेशन पे बताएंगे कैसे कनेक्ट कर लेते हैं आप। अभी ये न्यू बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग न्यू बॉक्स को। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आपको जब रिसीव होगा तो ऐसे ही पूरा रिसीव होगा। ये आप इसको आराम से ऐसे निकाल लीजिएगा, ये आपकी वॉच निकल जाती है। ये आपका वॉच रहेगी और बाकी इसमें नीचे कुछ सामान मिल जाएगा इसका। जैसे देखते हैं, ये आपकी स्ट्रैप आती है, चेन स्ट्रैप होगी। ये क्वालिटी आपकी एकदम एकदम A1 रहेगी। इसमें क्वालिटी देख सकते हैं, चेन स्ट्रैप की शाइनी लुक होगा एकदम चेन स्ट्रैप का। और दूसरा आप इसका चार्जर देख सकते हैं, चार्जर भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा आपको, मैग्नेटिक वाला चार्जर होगा इसमें। ये देखिए, काफ़ी इसका मैग्नेटिक भी आप देखेंगे तो काफ़ी हार्ड है इसका मैग्नेटिक जो है। काफ़ी अच्छा लुक रहेगा वॉच का भी और इसके प्रोडक्ट एकदम। बाकी ये ऑन करके दिखाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, ऑन हो गई है ये। ये ऑन हो जाती है, उसके बाद इसमें नीचे ऊपर देखते हैं, ये सब ऑप्शन आ जाएगा आपका, ब्लूटूथ का आ जाएगा। जैसे स्टाइल आता है इसमें कि आप आइकन जैसे होते हैं, जो इसमें आइकन जो होते हैं वैसे किस स्टाइल में रखना चाहते हैं। जैसे देखते हैं, हम दो पे लगाते हैं तो इस तरह का आइकन आ जाएगा। हाँ भाई, इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ से आप ब्लूटूथ खोल लेंगे, ये ओपन है मेरा, ये ओपन है। इसको यहाँ से फिर इसके बाद इसमें एप्लीकेशन होती है। ये आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगी। हाँ, तो इसमें आपको ये जो हमारी वॉच है, ये फर्स्ट कॉपी जो वॉच है हमारी, ये थर्ड पार्टी ऐप होता है इसका एप्लीकेशन। उसको आपको चेक, उसको ढूंढने के लिए आपको इसमें आपको आना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए स्कैनर वाला दिया है, इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ बारकोड आ जाता है। फिर अपने फ़ोन से जो गूगल फ़ोटो आता है स्कैनर वाला, यहाँ गूगल पे जाके आप इस पर क्लिक करके स्कैन कर लेंगे इसको। इसको जो स्कैन करना होगा, स्कैन करने के बाद इसमें वेबसाइट आ जाएगी, इसी को आपको ओपन करना है। फिर www.fit2.0 के नाम से इसमें एप्लीकेशन शो करने लगेगा। गूगल वाले गूगल प्ले के लिए गूगल प्ले होगा, ऐप स्टोर जो एप्पल वाले हैं उनके लिए एप्पल स्टोर भी होगा, उसमें मिल जाएगा आपको ऐप। ये गूगल प्ले पर मैंने खोल लिया, उसके बाद मेरे में तो ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसमें पहले से आ गया। वरना आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ये एप्लीकेशन खोला था यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पर www.fit2.0 ये आपको मिल जाता है। जैसे आप डायरेक्ट भी चाहें तो स्कैन ना करने की ज़रूरत है आपको, आप डायरेक्ट ही इसमें जो, अगर यही वाली वॉच है, अगर 6th जनरेशन की फॉसिल की अगर वॉच है, तो आप डायरेक्ट जो है www.fit2.0 जो अगर उस पर सर्च कर लेते हैं प्ले स्टोर पर, तो आपको यह ऐप मिल जाएगा। फिर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर अनबाइंड दिखा रहा है, अभी मैं बाइंड करूँगा इसको। बाइंड कैसे होगा, यहाँ पर जब मैं करूँगा सर्च तब यहाँ पर आ जाएगा कि आप ब्लूटूथ ऑन करिए, तो अपना ब्लूटूथ ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेगा ये, देखिए सर्च किया उसने और ये उसने कनेक्ट कर लिया, कनेक्टिंग हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हैं कनेक्टेड आ गया, उसमें लिख के कनेक्टेड हो गई है ये। जैसे आप अगर देख सकते हैं कनेक्ट हो गई। हाँ, तो ये लीजिए, आप कैमरे फीचर बता रहे थे, ये कैमरे फीचर है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें टैप करेंगे गाड़ी में, क्लॉक में, वॉच में जब टैप करेंगे तो उसमें गिनती चलने लगती है। ये देखिए फ़ोटो क्लिक हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोबारा से दिखा सकते हैं आपको, जी देखिए वॉच है, ये वॉच है। इस पर आपने जैसे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे इस पर टाइमर चलने लगेगा आपका, टाइमर चलने के बाद फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। ऐसे इसमें और फीचर के बारे में सैनिटरी देखते हैं आपको, जब बैठे रहने का फीचर है, कितनी देर आप बैठे हैं, कितना क्या टाइम है, वो भी आप इसमें सेट वगैरह कर सकते हैं। बाकी राइस पे जैसे कि देखते हैं, ये जैसे वॉच आपकी बंद रहती है, इसे ये बंद है, तो आप जब
ये राइज होगी, मतलब राइज मतलब यही हो गया आपका, जैसे आप पहने हुए हैं कि हाँ हाँ जब यू देखेंगे टाइम तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ये फीचर है आपका राइज का। और देख लेते हैं ऐप पुश, ऐप पुश का मतलब इसमें ये है कि फ़ोन वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह जो आपके रहते हैं इसमें आपको इसमें सब चीज़ का परमिशन देना पड़ेगा, जैसे इसमें फ़ोन फ़ोन का है ये सब आपको प्रोसेस, ये सब आपको परमिशन देनी होगी। जैसे कि फ़ोन का हमने दिया तो इसको ओपन करना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा सब चीज़, इसको अलाउ करेंगे तब ये ओपन होगा। देखिए ओपन हो गया, ऐसे ही आपका फीचर रहेगा इसमें। और बाकी देख सकते हैं ऐप पुश के बाद वेदर आ जाता है, वेदर देखते तो वेदर भी आपका ऑन है मेरा, इसमें वेदर का भी सब चीज़ दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ वेदर का दिखा रहा होगा, ये रेनिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा होगा आपको रेनिंग वाला, ये रेनिंग का फीचर दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाई दे रहा तो हम दिखा देते हैं आपको पास ले ही। ये वेदर दिया हुआ है, ये देखिए इसमें पानी की बूंदें दिखा रहा है। और चीज़ें देख सकते हैं आप, जैसे डायल सेटिंग आ जाती है, एक डायल सेटिंग होता है, डायल सेटिंग में आप चले गए तो उसमें आपके वॉलपेपर वगैरह जो होते हैं सब मिल जाएंगे, वॉलपेपर नए नए वॉलपेपर होंगे, बाकी आप कस्टम वॉलपेपर लगाना चाहें जैसे आप अपना पर्सनल कोई वॉलपेपर लगाना चाहें तो उसमें से आप लगा सकते हैं, यहाँ से आप चूज़ योर बैकग्राउंड, ये एल्बम चले जाएँ कैमरे में चले जाएँ जो चाहें वो लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एल्बम चले जाइए कोई भी चीज़ चाहिए आप लगा सकते हैं, कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कैमरे में लिया, ये मैंने क्लिक करी और ये मैंने यहाँ पर यस कर दिया तो ये देखिए ये लग जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा कर लिया, ये देखिए अब ये यहाँ पर आ गया ऑप्शन साइन, जब ये करेंगे आप तो इसमें डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये देखिए इसमें डाउनलोडिंग होने लगी है, ये डाउनलोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं 1 से 100 तक की, तो इस डाउनलोडिंग हो गई है, बस वही डाउनलोड होना था, अभी डाउनलोडिंग हो गई है, ये आपका देखिए वॉलपेपर लग गया है, इसमें देख सकते हैं आप बिल्कुल सामने है यही देख सकते हैं, ये देखिए हमने फ़ोटो लगाई है लग गई है, ऐसे ही आप इसको वॉलपेपर लगा सकते हैं, फिर आ जाएगा आपका। हाँ इसमें वही मैंने आपको बताया कि आप अपनी खुद की ही फ़ोटो लगा सकते हैं, मैंने देखी खुद ही की फ़ोटो कैमरे से खींच के मैंने लगाई है इसमें क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं अदर कॉन्टेक्ट में आ जाता है, कॉन्टेक्ट हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर चाहें, किसी का नाम वगैरह फ़ोन नंबर हो गया आप ऐड कर सकते हैं, फ़ोन सब आपको भरने पड़ेंगे कॉन्टैक्ट वगैरह, और अदर अदर वाइब्रेट वाला हो गया, ये वो है जैसे मैंने फ़ोन वाला जो आपको बताया था कि फ़ोन सर्च वर्च करने के लिए उसके लिए मैंने आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं, अब आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप DM करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, धन्यवाद।